सो हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका फोरेक्स फॉर अनबॉक्स में। सो फाइनली रियलमी ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, रियलमी C55। तो क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए सही है या नहीं, तो सब कुछ बताओगे इसके बारे में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं पहले फ़ोन के बैक साइड से। जो बैक पैनल की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको प्लास्टिक बॉडी देखने मिलती है और ये दो कलर वेरिएंट में देखने मिलता है, ब्लैक और सनशावर और ड्यूल कैमरा मॉड्यूल देखने मिलता है। नीचे की तरफ रियलमी का ब्रांडिंग। तो पोल्स और बटन की बात करें तो राइट में आपको वॉल्यूम ब्रोकर, पावर बटन, इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है। लेफ्ट में सिम ट्रे जिसमें ड्यूल सिम सपोर्ट है। बॉटम में देखने मिल जाता है 3.5 mm जैक, माइक, टाइप सी पोर्ट और स्पीकर। तो अब बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की, जिसमें 6.72 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलता है। साथ में हमको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। अगर ब्राइटनेस नीट की बात करूँ तो 660 nits का ब्राइटनेस है और सेंटर में आपको पंच होल कट आउट में एक सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ तो प्राइस के हिसाब से सही है। तो अब बात करते हैं फ़ोन के परफॉर्मेंस की। तो रियलमी C55 में दिया गया मीडियाटेक हीलियो G88 एसोसिएट का एक 4G प्रोसेसर। तो ये फ़ोन 4G होगा जिसमें 6GB और 128GB रैम स्टोरेज का वेरिएंट देखने मिल जाता है, जिसमें LPDDR4X रैम है और eMMC आपको 5.1 स्टोरेज देखने मिल जाता है, जो एक डाउनग्रेड है। तो OS की बात करें तो Android 13 आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने मिलता है और साथ में Realme UI 4.0 देखने मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme C35 से कंपेयर करते हैं तो Realme C55 बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोन के कैमरे की। तो बैक में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने मिलता है, जिसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा और 2 MP का डेप्थ कैमरा देखने मिलता है। फ्रंट की बात करें तो पंच होल कटआउट में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। कैमरे की क्वालिटी की बात करूँ तो अच्छी है और वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD 30 FPS में आप वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरे की बात करूँ तो अच्छा है, बट अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो बेटर रहता। तो लास्ट बात करते हैं फ़ोन के बैटरी, जिसमें आपको 5000 mAh का बैटरी देखने मिल जाता है, साथ में 33 W का फास्ट चार्जर, सुपर वॉक फास्ट चार्जर, जो ऑन पेपर पता है कि 29 मिनट में आपको 50% चार्ज करके देता है। और साथ में एक नया फीचर्स भी बताया गया है कि इसके अंदर जो मिनी कैप्सूल दिया गया है चार्जिंग में, वो एक अच्छा एनिमेशन है जो आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो एक आपका एक नॉर्मल यूज़ है या आपको एक अच्छे कैमरे क्वालिटी वाला फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए बेटर रहेगा, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कंपैरेटिवली C35। तो कैसा लगा ये फ़ोन।